दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया। क्रिकेट का महासंग्राम यानी आईपीएल 2020 की शुरुआत 29 मार्च 2020 से होने वाली थी, लेकिन भारत में लगातार बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस को देखते हुए बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग डेट को पोस्टपोन कर दिया था। और अभी तक जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से 15 अप्रैल के बाद ही आईपीएल 2020 की शुरुआत होने वाली थी, लेकिन आज 24 मार्च को आईपीएल 2020 को लेकर बीसीसीआई और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के बीच एक मीटिंग हुई, जिसके बाद बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 की शुरुआत को लेकर एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है। और इस डिसीजन के बारे में पूरी तरह से विस्तार से खुलकर इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं, इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और यदि आप भी चाहते हैं कि जल्द ही आईपीएल 2020 की शुरुआत हो जाए तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और क्रिकेट जगत से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि फिलहाल पूरे संसार का क्रिकेट कोरोना वायरस की चपेट में आ चुका है, जिसके चलते क्रिकेट के बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स और बड़ी बड़ी सीरीजों को रद्द कर दिया गया है। आईपीएल 2020 पर भी हमें कोरोना वायरस का बुरा इफेक्ट देखने को मिला, जिसके चलते अभी तक बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 की स्टार्टिंग डेट को पोस्टपोन कर रखा। और बीसीसीआई ने ऐसा बोल रखा है कि 15 अप्रैल के बाद ही आईपीएल 2020 की शुरुआत होने वाली है, लेकिन आज 24 मार्च को आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और बीसीसीआई के बीच एक बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई, जहां पर सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि यह मीटिंग आईपीएल गवर्निंग काउंसिल, बीसीसीआई और सभी पार्टिसिपेट करने वाली फ्रेंचाइजियों के ओनर्स के बीच होनी थी, लेकिन इस मीटिंग में आईपीएल 2020 में पार्टिसिपेट करने वाले सभी फ्रेंचाइजियों के मालिकों ने हिस्सा नहीं लिया और यह मीटिंग केवल आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और बीसीसीआई के बीच हुई। और यहां पर सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो आईपीएल 2020 की शुरुआत को लेकर ही था, और यहां पर बीसीसीआई ने अब ऐसा बिल्कुल साफ कर दिया कि आईपीएल 2020 होना या न होना यह पूरी तरह से अब कंडीशंस पर निर्भर करता है। बीसीसीआई ने ऐसा साफ किया कि यदि यहां पर कोरोना वायरस के कहर के चलते ओलंपिक्स जैसे बड़े टूर्नामेंट को रद्द कर दिया सकता है तो उसके आगे आईपीएल कोई भी चीज नहीं। अगर ओलंपिक्स यहां पर रद्द होते हैं तो आईपीएल को भी यहां पर डेफिनेटली रद्द किया जा सकता है। यानी कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने सभी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही बुरी खबर जारी की है, जहां पर एक प्रकार से एक तरफ जहां लग रहा था कि आईपीएल कराने के लिए बीसीसीआई पूरी कोशिशें कर रही है, वही दूसरी तरफ एक बुरी खबर यही भी है, क्योंकि अभी हाल ही में कनाडा की टीम ने ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने से बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है। तो वहां पर बीसीसीआई ने साफ किया कि यदि यहां पर ओलंपिक्स रद्द हो सकती है तो आईपीएल तो ओलंपिक्स के आगे एक बहुत ही छोटा टूर्नामेंट है, इसीलिए यहां पर इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब फ्यूचर प्लानिंग्स होंगी। यहां पर इस मीटिंग में कुछ ज्यादा बातचीत नहीं की गई, सभी टीमों के मालिकों को बाहर ही रखा गया, केवल आईपीएल गवर्निंग काउंसिल और बीसीसीआई के बीच यह छोटी सी मीटिंग हुई। इस मीटिंग के बाद किंग्स इलेवन पंजाब के मालिक ने भी ऐसा बिल्कुल साफ किया कि हमारे लिए क्रिकेट से ज्यादा लोगों की सुरक्षा बहुत मायने रखती है, यहां पर हमें विदेशी खिलाड़ियों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। खैर, अगर यहां पर भारत में कंडीशंस कंट्रोल में आती है तो अभी तक बीसीसीआई ने आईपीएल 2020 को लेकर 3 तारीखों का ऐलान कर रखा है, 6 शेड्यूल्स का ऐलान कर रखा है, 3 फॉर्मेट्स का ऐलान कर रखा है, जिनके ऊपर हम ऑलरेडी अपनी वीडियोज में बात कर चुके हैं, आप उन वीडियोज को हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। लेकिन आज बीसीसीआई ने बड़ा झटका जरूर दे दिया है, जिससे कहीं ना कहीं आईपीएल 2020 एक बहुत ही संशय वाली स्टेज में जाने वाला है, जिसके चलते आईपीएल 2020 अब मेरे को भी लग रहा है कि 20-30% चांस यहां पर रद्द होने के भी हो गए। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या हो पाएगा आईपीएल 2020? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल किस वीडियो में बस इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।